हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। फेके जी भाई साहब, हम जो है वो 2-1 जीत गए। इट वॉज रिवेंज टाइम एंड वी टूक आर रिवेंज 2-1 निकाल के ले आए हैं। एनी वेज, देर वी आर कपल ऑफ यू नो, कोई कह रहा अच्छा मैच था, कोई कह रहा था बेकार मैच था। यहाँ मैं अपना टेक दूंगा कैसा मैच मेरे को लगा, प्लस वी विल टॉकिंग अबाउट द गेम। बट ये जो 2-1 की विक्ट्री थी ना, यहाँ पे हमको भाई साहब, जिसको हम रियल मैड्रिड का भड़वा कहते हैं, मैथ्यू को भाई साहब, उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। 2 येल्लो कार्ड जो है वो हमारे रेफरी ने, यानी मैथ्यू लाहोज ने 2 येल्लो कार्ड दे दिया शुरुआत के ही हाफ में एथलेटिक के क्लब के प्लेयर्स को। तो उसके चलते क्या हुआ ना कि वो मिडफील्डर्स जो यू नो फोकट खाली की फिजिकलिटी दिखाते हैं, ज़्यादा के ठुकते हैं प्लेयर से, वो उनको करने की हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि उनको येलो कार्ड जो है वो इशू हो गई थी। तो इट वॉज अ रियली ग्रेट प्ले फ्रॉम मैथ्यू भाई। हमेशा मैं कहता हूँ कि ये हमारे खिलाफ खेलता है, बट पहली बार इसकी रेफरिंग थोड़ी सी मेरे को अपने तरफ दिखी। तो तालियां हो जाना चाहिए हमारे भड़वे भाई, सॉरी सॉरी, हमारे भाई के लिए, मैथ्यू लोपेज के लिए। तो इट वॉज अ रियली रियली ग्रेट प्ले फ्रॉम मैथ्यू भाई भी। अच्छा किया, 2 येलो कार्ड दे दिया, जिसके चलते लियोनेल मेसी को थोड़ा सा स्पेस मिला मिडफील्ड में, वरना ये हरामी लोग एथलेटिक क्लब के इन लोगों को कोई चांस नहीं देने वाले थे। एनीवेज, अगर मैं आज के गेम के बारे में बात करूँ, लेट्स टॉक अबाउट द लाइनअप एट फर्स्ट। आई वॉज रियली हैप्पी लुकिंग एट द लाइनअप, क्योंकि भाई साहब लॉन्गले जो है वो स्टार्ट नहीं कर रहा था और उमटीटी स्टार्ट कर रहा था। अब ये क्वेश्चन है कि वाई इज रोनाल्ड कोमैन यू नो पुटिंग उमटीटी ओवर लॉन्गले? क्या यहाँ पे भाई साहब रोनाल्ड कोमैन को ये चीज़ समझ में आ गई कि लॉन्गले टट्टी उमटीटी क्लास है? क्या वो यू नो वो जो क्या कहते हैं अपन उसको यार, ऑर्डर है जहाँ पे प्लेयर्स को रखा जाता है, क्या उस ऑर्डर में उमटीटी ऊपर है लॉन्गले से रोनाल्ड कोमैन के? अगर ऐसा है तो भाई साहब मजा आने वाला है, क्योंकि आई रियली डोंट वांट टू सी लॉन्गले प्लेइंग इन आवर स्टार्टिंग 11 भाई साहब, नहीं। तो अगर ऐसा है तो इट्स रियली ग्रेट। अभी भी राइट बैक में मिंगेजा हमको देखने को मिला, उसके बारे में अपन बात करेंगे, बट इट वॉज अ रियली ग्रेट ग्रेट प्ले फ्रॉम बार्सिलोना। यहाँ पे मेरे को दाद देनी पड़ी कि रोनाल्ड कोमैन की, जस्ट बिकॉज जो भी टैक्टिक्स उसने बैठाए थे ना इस गेम में, इट वॉज वर्किंग सुपरली। हमारे पास सर्जियो बुस्केट्स नहीं था, वो रोल हमने डियोंग को दे दिया। डियोंग वॉज आस्क्ड टू यू नो कम बैक इन द डिफेंस, और हमारे दोनों डिफेंडर्स के साथ उमटीटी और यू नो अरुआहो के साथ बीच में डियोंग था। ही वॉज अ क्या अपन कहते हैं उसको, डीप लाइन प्लेमेकर, जहाँ पे डियोंग जो है वो बॉल लेकर के आगे पियानिच को पास कर रहा था, क्योंकि पियानिच उसके पास खड़ा रहता था। पेद्री वॉज यू नो इन द अटैक ट्राइंग टू कंबाइन विद लियोनेल मेसी, ग्रीज़मैन, डेम्बेले अपना अलग खेल खेल रहा था राइट हैंड में। तो इट वॉज अ रियली ग्रेट टैक्टिकल गेम फ्रॉम रोनाल्ड कोमैन। एंड ये पहली बार मैं कह रहा हूँ मेरे को मज़ा आया बार्सा का गेम देखने में अंडर रोनाल्ड कोमैन। पहला हाफ कैसे निकल गया पता ही नहीं चला भाई साहब, बार्सिलोना वॉज प्लेइंग सो गुड। सो लेट्स टॉक अबाउट द गेम। बहुत बेहतरीन पासिंग हमको देखने को मिली, पेद्री वॉज ट्राइंग टू कंबाइन विद लियोनेल मेसी, ग्रीज़मैन, डियोंग जो है वो अपने कमाल अलग खेल रहा था डिफेंसिवली। ऑल दो इस गेम में डियोंग उतना ज़्यादा अटैक में हमको देखने को नहीं मिला, आई टोल्ड यू वाई, डियोंग वॉज आस्क्ड टू कम बैक इन डिफेंस एंड हेल्प आर डिफेंसिव प्लेयर्स। तो पियानिच भी थोड़ा सा मोड़ा देखने को मिला, डेम्बेले भी अच्छा कर रहा था, ग्रीज़मैन भी अच्छा मिला, इट वॉज रियली गोइंग गुड। और भाई साहब 20 मिनट में इट वॉज अ फ्री किक विच वॉज वॉन बाय लियोनेल मेसी, एंड वॉट अ फ्री किक इट वॉज भाई साहब, मैजिकल, मिस्टीरियल, मॉन्यूमेंटल, मैं क्या बोलूँ, इट वो खम हो जाएगा उस फ्री किक को डिफाइन करने के लिए। और जब जब लियोनेल मेसी फ्री किक लेने आता है ना यार, तो हम बार्सिलोना बॉयस, भले हम 1-0 डाउन रहे, भले हम 1-0 अप रहे, भले हमारा स्कोर 0-0 रहे, हम लोग कहते हैं रिलैक्स बॉयस, रिलैक्स, मेसी आए हैं फ्री किक लेने के लिए। वो फ्री किक हम गोल एक्सपेक्ट करते हैं, बट इस सीज़न हमको वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही थी। बट भाई साहब 2 फ्री किक मेसी ने इस सीज़न मारे हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पहला फ्री किक वॉज रियली ग्रेट, जहाँ पे पूरे प्लेयर्स खड़े हुए थे, 2 वॉल बना दिए गए थे, स्टिल मेसी गोल मार देता है। और सेम इसी मैच में हमको ये भी देखने को मिला, वॉल 5 मैन की प्लेयर लेटा हुआ है, उनका डिफेंडर दौड़ के पोस्ट के पास जा रहा है, बट कोई नहीं रोक पाया। इट वॉज सो पिन पॉइंट एक्यूरेट, ब्रिलियंट गोल फ्रॉम लियोनेल मेसी। और उस पॉइंट के बाद तो फिर बार्सिलोना वॉज यू नो ऑन अबव एथलेटिक बिलबाओ, और वहाँ पे एथलेटिक बिलबाओ का मैनेजर वॉज रियली वेरी फ्यूरियस, हर एक मूवमेंट में वो बॉटल फेंक रहा है, सब फेंक रहा है, चिल्ला रहा है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और बार्सिलोना वॉज यू नो रूलिंग अप द गेम। इट वॉज रियली ग्रेट। बट एक कंप्लेन जो मेरे को पर्टिकुलरली लगी, वो थी मिंगेजा की डिफेंडिंग। इस मैच में मिंगेजा उतना अच्छा डिफेंडिंग नहीं कर रहा था, डिफेंडिंग से मेरा तात्पर्य है राइट हैंड साइड में। जब वो सेंटर में आ जा रहा था, ही वॉज रियली ग्रोड, बट एक राइट बैक के हिसाब से हम एक प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके पास स्पेस भी होगा, और जब हमारी टीम हाई लाइन खेल रही है और सामने टीम वाली काउंटर अटैक करेगी, तो तू उस स्पेस का इस्तेमाल करके वो जो
वो जो विंगर काउंटर खेलते रहेगा उसको जाके रोकेगा, वो चीज़ मिंगेजा नहीं कर पाया। मिंगेजा 1v1 में बीट हो गया बहुत ही ऊपर पिच में ही, जिसके चलते इट वॉज ओपन फ्रॉम फॉर द विंगर ऑफ एथलेटिक बिलबाओ। शायद राहुल गार्सिया ही था जो बॉल देता है, बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेट देता है। डिफेंडर्स को टाइम नहीं मिला वापस आने के लिए, केवल जॉर्डी अल्बा वापस आ पाया और जॉर्डी अल्बा ट्राई किया बॉल को उड़ा देने का, बट वो चीज़ हो नहीं पाई, वो ओन गोल हो गया। और क्या वहाँ पे धक्का था जॉर्डी अल्बा के ऊपर? मैंने वो क्लिप 3-4 बार देखी, एक एंगल से लग रहा था धक्का है, एक एंगल से लगा नहीं है धक्का, आई डोंट रियली नो अबाउट दैट, बट मेरे को ये लगा कि वार जो है वो सो रही थी। तो भाई छोड़ो हटाओ वो बात, 1v1 में मिंगेजा जो है वो अच्छा नहीं कर पाया। और यहीं पे एक पेसी जो है वो राइट बैक काम आता है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, देखो अगर मान लो यहाँ पे सर्जिनियो डेस्ट रहता जिसके अंदर भर भर के पेस है, तो जब हम हाई लाइन खेल रहे हैं और कोई विंगर उनका काउंटर अटैक कर रहा है तो वो विंगर को पकड़ के चलेगा सर्जिनियो डेस्ट एकदम आखिरी तक। अब वो जब आखिरी तक पकड़ के चलेगा तो यहाँ पे 1v1 होगा, जिसके चलते हमारे डिफेंडर्स को टाइम मिल जाता है वापस आने का, तो क्रॉस भी आएगा तो हमारे डिफेंडर्स रोक लेंगे। बट जब वो पेस नहीं दे पाएगा ना राइट बैक, तो तुम शुरुआत में ही 1v1 में बीट हो जाओगे। अब वो जब आगे दौड़ेगा तो तुम पकड़ ही नहीं पाओगे, और यहाँ पे इतना टाइम और स्पेस है कि ये बॉल डाल देगा। अब इसके बॉल डालने के चलते हमारे डिफेंडर्स तो आ नहीं पाए, क्योंकि विंगर के पास ज़्यादा पेस है एज़ कम्पेयर टू डिफेंडर्स। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो मेरे को लगता है कि एक पेसी राइट बैक जो है वो हमको सॉल्व करके देगा। और सर्जिनियो डेस्ट का होना मेरे ख्याल से इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना पीस, कि वो डिफेंसिवली थोड़े से सॉलिड रहे। बाकी इट वॉज अ रियली ग्रेट गेम फ्रॉम उमटीटी, इट वॉज अ रियली ग्रेट गेम फ्रॉम अरुआ हो। और उमटीटी भाई साहब इंजरी के बाद तो अपना वही सैमुअल उमटीटी द बियर देखने को मिल रहा है, दी सैमू बियर जिसको मैं कहता था भाई। कोई अभी वो इनाकी विलियम्स को पकड़ के चल रहा था, इनाकी विलियम्स सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर है लालीगा में इन टर्म्स ऑफ स्पीड, उसको पकड़ के चल रहा था उमटीटी एंड ही वॉज रियली ग्रेट। अब मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही है, क्या रोनाल्ड कोमैन को ये चीज़ समझ में आ गई कि लॉन्ग ले सही में टट्टी है और इसके चलते वो पैकिंग ऑर्डर है उसमें उमटीटी ऊपर है? अगर ऐसी बात है तो इट्स रियली ग्रेट, हमको उमटीटी और देखने को मिलेगा स्टार्ट करते हुए मैच में। इट वॉज अ रियली ग्रेट मूव फ्रॉम रोनाल्ड कोमैन, और इसी के लिए मैं कह रहा हूँ रोनाल्ड कोमैन की तरफ से इट वॉज अ रियली गुड गेम। तो 1-1 हो चुका था, और गेम देखने के बाद आई वॉज नॉट रियली वरीड अबाउट, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अपन गोल मार ही देंगे, बिकॉज द गेम बार्सिलोना वॉज प्लेइंग इट वॉज रियली ग्रेट। और उस ग्रेट गेम के चलते हमको दो बहुत प्यारे हेडर भी देखने को मिले। वन हेडर वॉज फ्रॉम पियानिच, क्या हेडर था पियानिच का, बट उनका गोलकीपर रोक लिया। वो होता है ना, अपन क्रिकेट खेलते हैं तो साली बॉल हाथ में चिपक जाती आ करके एकदम तुरंत कैच हो जाता है, वैसे ही उस गोलकीपर के साथ हुआ। इट वॉज अ रियली पिन पॉइंट एंड वेरी स्पीडी हेडर फ्रॉम पियानिच जो वो गोलकीपर पकड़ लिया, बट इट वॉज अ ग्रेट प्ले फ्रॉम बार्सिलोना। साथ ही साथ एक और हेडर था शायद ग्रीजमैन का, बहुत अच्छा था, बट एक पुश था डेम्बेले के ऊपर। भाई साहब मुनियाइन वर्सेस डेम्बेले हो रहा था, डेम्बेले अपना फुल पेस से दौड़ रहा था, मुनियाइन बहन झूल गया डेम्बेले के ऊपर और डेम्बेले गिर गया जमीन में। बट स्टिल मैथ्यू ने भी कुछ इसमें माहौल नहीं दिया, बुलाया ऐसा ही है, लेकिन वो चीज़ वार को देखनी चाहिए ना कि भैया वो झूला है पूरा उसके ऊपर तो तू उसको पेनाल्टी दे, बट वो दिए ही नहीं। वार वाले अपना अलग अमोंग अस खेल रहे थे मेरे को तो लग रहा था कल वार वाले, क्योंकि लालिगा के सबसे बड़े इम्पोस्टर वार वाले ही हैं। एनीवेज मेरे ख्याल से वो वार को वार तक जाने के लिए थोड़ा प्लेयर्स को भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि भैया तू दे दे दे, तब वो वार में बात करता है कि हाँ भाई बताओ कुछ है सीन, लेकिन हमारे प्लेयर्स ही प्रोटेस्ट नहीं करे। अब मेरे को नहीं पता क्यों, शायद डेम्बेले को ज़्यादा स्पेनिश आती नहीं है तो वो ज़्यादा भिड़ा नहीं, बट आई रियली फेल्ट कि वो फाउल था। एनीवेज चलो फाउल मिला नहीं मिला, बट द सेकेंड गोल ओ माई गॉड वॉज इनक्रेडिबल। बट उससे पहले एक सब्स्टिट्यूट हुआ, गुड अबाउट दिस आई डोंट रियली फेल्ट क्वाइट गुड अबाउट दिस सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे पियानिच को निकाल करके सर्जियो रोबर्टो को डाला गया। भाई सर्जियो रोबर्टो यार आई डोंट फील कि वो मिडफील्ड में उतना प्यारा हमको दे पाता है, क्योंकि देखो यार सीधी से मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से अगर हम रिकी पूछ को देते तो ज़्यादा हमको यू नो अटैकिंग वाइज बार्सिलोना खेलते हुए नज़र आती, बट द इंक्लूजन ऑफ सर्जियो रोबर्टो दैट टू जब हम 1-1 यू नो इक्वल चल रहे हैं, आई डेंट रियली फेल्ट दैट गुड, मेरे को वहाँ पे गलत लगा। बट अगर मैं अलग नज़रिए से देखूँ तो सर्जियो रोबर्टो के आने से एक डिफेंसिवली हम लोग थोड़े से स्ट्रांग हो गए थे, क्योंकि शायद उतना डिफेंसिव कवर हमको रिकी पूछ नहीं दे पाता जितना सर्जियो रोबर्टो देता है, क्योंकि सर्जियो रोबर्टो राइट बैक में खेलते हुए आ रहा है बहुत समय से, तो ही नोज़ हाउ टू डिफेंड रियली वेल। 1v1 रोबर्टो के ज़्यादा अच्छे हैं इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हाँ वो डिफेंसिवली हमको कवर मिला, बट जब हम 1-1 हैं मतलब 1-1 ड्रॉ मैच चल रहा है तो हम डिफेंसिव कवर का करेंगे क्या? वी रियली नीड टू हैव सम अटैक इन मिडफील्ड। तो
जब डियोंग सीडीएम खेल रहा है तो मेरे ख्याल से रिकी पूछ को लाना चाहिए था, रिकी पूछ पैदरी हमको देखने को मिलते, बहुत मज़ा आता, बट मेरे ख्याल से ये थोड़ा गलत हुआ, बट उसके भी कुछ पॉजिटिव्स निकल के आए। रोबर्टो जो है वो सीडीएम खेल दे रहा था, डियोंग आगे जा रहा था, तो डियोंग जब आगे जा रहा था तो ऑफकोर्स ज़्यादा हमको अटैक देखने को मिल रहे थे, और जब डियोंग पीछे रह रहा था तो रोबर्टो आगे जा रहा था तो वो भी हमको ज़्यादा अटैक देखने को मिल रहे थे। बट आई रियली फेल्ट कि यहाँ रिकी पूछ होता तो मज़ा आता, बट स्टिल रोबर्टो आया सीडीएम संभाल रहा था, डियोंग आगे जा रहा था, डियोंग ने पास दिया ग्रीज़मैन को, ग्रीज़मैन ने दिया मैसी को, भाई साहब मैसी ने दिया डेम्बेले को, और मेरे ख्याल से मैं यहाँ गलत कुछ कुछ बोल दिया हूँ, बट आखिरी बॉल आई डेम्बेले के पास, और जब वेटेड पास था डेम्बेले का टू मिंगेज़ा, इट वॉज रियली ग्रेट एपिक बार्सिलोना शिट, जो ये काम मेसी और डेनियल वेस करते थे वो कल मेरे को डेम्बेले और मिंगेज़ा देखते हुए मिले। मिंगेज़ा के पास बॉल आया, मिंगेज़ा भाई क्या क्रॉस डाला डायरेक्ट ग्रीज़मैन, खड़ी रह के एथलेटिक बिलबाओ, खड़ी रह के एथलेटिक बिलबाओ हिल भी नहीं पाई, और वो सेकेंड गोल वॉज मैजिकल, इट वॉज अ बार्सा गोल ऑफ कोर्स, जो हम अरे मैं बहुत खुश हो गया था भाई वो गोल देख के, मतलब मेरा दिल खुश हो गया था वो गोल देख के, मैं बोला भाई 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 मैं चीख रहा हूँ अपने कमरे में, तो मेरे से शशांक पूछ रहा है कि भाई किसका क्या हो गया कौन गोल मारा, तो मैंने बोला कि भाई कोई गोल नहीं मारा, बार्सिलोना ने गोल मारा, वो गोल था बार्सिलोना का, वो ग्रीज़मैन का गोल नहीं था, वो बार्सा गोल था, एंड हमको वो बार्सिलोना वापस से दिख रही है रोनाल्डो कोमैन के अंदर, और आई एम रियली थैंकफुल टू रोनाल्डो कोमैन फॉर दैट, वो टिकी टाका वो प्यारी पासिंग भाई, इट वॉज रियली ग्रेट फ्रॉम बार्सा यार, आई रियली फेल्ट इन लव विद दैट पर्टिकुलर गोल। और इसके बाद पर्टिकुलरली एथलेटिक बिलबाओ ने जो है वो सब्स्टिट्यूशन करे, 84th मिनट में विलाई बिरे आया, जो मेसी के साथ जिसका मारपीट हो गया था वो आया, स्ट्राइकर है वो, एक डिफेंडर भी उन्होंने चेंज किया ताकि थोड़ा डिफेंस में मेसी को रोक पाए क्योंकि डिफेंडर्स उनके थक गए थे। बट यहाँ पे एक चेंज रोनाल्डो कोमैन ने भी किया, और वो था ग्रीज़मैन को हटा करके लॉन्ग ले बुलाना। अब इस चीज़ के ऊपर पूरे ट्विटर में बवाल भरा हुआ था, इंस्टाग्राम में बवाल भरा हुआ था कि वाई यू मेक डिसीजंस लाइक दिस, कि जब हम अच्छे गेम खेल रहे हैं, हम डोमिनेट कर रहे हैं गेम में, तब आप एक ऐसा चेंज कर रहे हो कि अब स्ट्राइकर को निकाल करके डिफेंडर कर दे रहे हो। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये होता है ना, जब एक कोच ऐसा कोई चेंज करता है तो आप एक क्लियर मैसेज भेज रहे हो दूसरे टीम की ओपोनेंट को, मतलब अपने ओपोनेंट को ये मैसेज भेज रहे हो कि अब हम तीन डिफेंडर्स के साथ खेलेंगे, डेट मीन्स हम श्योरली जो है वो पीछे बैठेंगे, हम अटैक ज़्यादा करेंगे नहीं, हम सोक करेंगे प्रेशर को, तो आप इनवाइट कर रहे हो दूसरी टीम को अटैक करने के लिए, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब क्योंकि हम 2-1 हैं, और अगर हम इनवाइट करेंगे उनको अटैक करने का, तो क्या पता कोई इंडिविजुअल मिस्टेक कर जाए और हम 2-2 हो जाए, तो हम तो 2 पॉइंट हार गए ना यहाँ पे, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, कि ऐसा लोग कह रहे थे। बट मैं बहुत सोचा, मैं बोला यार पिछले मैच में भी ऐसा कुछ हुआ था, और तो भी साला हम 90th मिनट में गोल खाए थे सुपर कप अगेंस्ट डैम ओनली, और 90th मिनट में हम गोल खाए थे और फिर हम हार गए सुपर कप इवेंचुअली जा करके, तो तुम 84th मिनट पे एक डिफेंडर को ला करके थोड़ा सा सेफ खेलना पसंद करोगे कि विदाउट अ डिफेंडर जैसा गेम खेल रहा वैसा चलने दो और फिर एक गोल खा लोगे, अब क्या तुम यहाँ खेलोगे। हमने पूरा गेम अच्छा खेला 84th मिनट तक, बार्सिलोना वाज रियली ग्रेट, बस वो ग्रीज़मैन का जाना थोड़ा सा खटका क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा डिफेंडर आ गया, बट वो एक्स्ट्रा डिफेंडर उस पॉसिबिलिटी को कहीं ना कहीं रूल ऑफ कर रहा था कि हम ज़्यादा एक गोल खा सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स एक एक्स्ट्रा डिफेंडर आना यानी कि एक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग डिफेंस, और वो चीज़ हमको कहीं ना कहीं हेल्प करती। 84th मिनट चल रहा था, इट वॉज नॉट लाइक 74th मिनट या फिर 60th मिनट, तो मेरे ख्याल से 84th मिनट में वो चेंज करना अगेंस्ट अ टीम जिसके खिलाफ हम लास्ट मिनट एकदम गोल खाए थे और सुपर कप हार गए थे, इट वॉज वाइस फ्रॉम रोनाल्डो कोमैन कि कोई रिस्क नहीं लेना है, वी आर क्लियर कि हम सेकेंड ऑन द टेबल चले जाएंगे, थोड़ा सा कॉवर्डनेस हुआ बट इट वॉज ठीक ठाक यार, मेरी नज़र में ठीक था, अगर मैं भी मैनेजर रहता तो मैं भी यही कर देता, क्योंकि एट लास्ट रिजल्ट्स ओनली मैटर, और 84th मिनट में ये चीज़ करना उतना खला नहीं, अगर यही सेम काम शायद वो 71th मिनट पे करता या फिर 70th मिनट में करता, जहाँ पे 20 या 25 मिनट का गेम बचा हुआ है, तब मैं ये चीज़ कहता, बट आखिरी की 6-7 मिनट में यार वी कैन रियली यू नो डू अ लो ब्लॉक, वी कैन रियली फॉर्म अ मिड ब्लॉक आखिरी की 4 मिनट में टू सेव आर लीड, बिल्कुल कर सकते हैं, और वो भी इतना एसेंशियल गेम में जहाँ पे हम सेकंड ऑन द टेबल आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इट वॉज वाइस फ्रॉम रोनाल्डो कोमैन, बस टाइमिंग के चलते मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, मैं भी इस चीज़ का फ़ैन नहीं हूँ कि हम एक डिफेंडर को ला करके एक मैसेज प्रोटेक्ट कर देगी भैया अब हम बहुत यू नो लो ब्लॉक बना के खेलेंगे, तुमको अटैक करना तुम कर जाओ, बट 4-5 मिनट के में थोड़ा सा सेफ होके खेलना वॉज वाइस फ्रॉम रोनाल्डो कोमैन, कीपिंग द फैक्ट कि हम सेकेंड ऑफ द टेबल चले जाएंगे, 7 या 10 पॉइंट का अब गैप होगा एथलेटिक क्लब एथलेटिको मैड्रिड से हमारा, तो वो चीज़ से मैं आई एम संतुष्ट फ्रॉम दैट, तुम्हारा क्या है मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। एनीवेज आखिरी मोमेंट में मैसी के पास
गेम को बैड करने के लिए दो चार यू नो वो मिले, मोमेंट्स मिले जहाँ पे मेसी के पास क्लियर कट चांस था कि वो ब्रेटवेट को पास देते और ब्रेटवेट क्लियर था, गोल हो जाता, बट उसने जॉर्डी अल्बा को पिक किया और जॉर्डी अल्बा ने अच्छा नहीं किया कुल मिला के। एक और ऐसा चांस था जहाँ पे वो पेद्री को पास करता तो वो गोल हो सकता था, बट उसने ग्रीजमैन को पास किया जो फिर जाके लड़खड़ा गया। तो मेसी ने यहाँ पे दो पासेस में हगा, आखिरी में एकदम बता रहा हूँ, ब्रेटवेट के पास वाला आखिरी था, तो वहाँ पे लोग बहुत बमक रहे थे कि यार मेसी ने हक दिया। ठीक है, आई रियली नो ऐसा हो जाता है कभी कभी, एकदम डाइंग मोमेंट्स में आप रहते हो और नहीं समझ में आता है क्या करना रहता है, बट इससे अगर एक पॉजिटिव आउटलुक अगर अपन लें तो तुम ये सोचो कि अब हम अटैकिंग थर्ड में वी हैव ऑप्शंस टू स्कोर गोल्स। मैं बार बार रोता था कि हमको पेनेट्रेशन नहीं, बट इस गेम में मेरे को दिखा था पेनेट्रेशन कि मेसी के पास ऑप्शंस थे। अगर तुमने मेरा थॉमस टुचल वाला वीडियो देखा है जहाँ मैंने चेल्सी का यू नो वो रिव्यू किया है कि थॉमस टुचल कैसा खेलता था पेरिस में, नेमार के पास 4-5 ऑप्शन रहते जब वो अटैक करते थे, वहाँ पे इकार्डी रहता था, वहाँ पे एम्बाप्पे रहता था, कभी कभी वेराटिटी रहता था, कभी वो भी रहता था, तो ऑप्शन रहते थे नेमार के पास कि वो पास करते और गोल पड़ जाए। सेम अब मार्सोना के पास भी अटैकिंग थर्ड में ऑप्शंस थे, मेसी के पास दो ऑप्शंस थे, एक तरफ ब्रेटवेट एक तरफ जॉर्डी अल्बा, पीछे से डियोंग भी दौड़ रहा था, तो अगर वो वेट करता तो शायद डियोंग भी आ जाता, समझ रहे हो। तो वी हैव ऑप्शंस राइट नाउ एट आर अटैकिंग थर्ड गोल मारने के लिए, तो दैट इज़ ए रियली गुड पॉजिटिव आउटलुक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ द गेम जहाँ पे हमने कहा मेसी ने हागा, वी हैव ऑप्शंस एट आर अटैकिंग थर्ड। सो इट वॉज अ रियली ग्रेट गेम फ्रॉम बार्सिलोना, मैं बहुत हैप्पी था। अगर 2-2 ड्रॉ होता, 1-1 ड्रॉ होता तो मैं शायद दुखी थोड़ा सा होता, बट हाँ जिस हिसाब का गेम बार्सिलोना ने खेली उससे मैं हैप्पी होता। PSG वाले गेम के लिए आई एम स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट हाँ अगर हम ऐसा खेलेंगे तो हम जीत सकते हैं। एनीवेज अब बात कर लें भाई साहब शाउट आउट की, तो जब 2-1 स्कोर होता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हो यार, मैं रैप कर सकता हूँ, इतने सारे नाम हैं, कोई कमेंट सेक्शन में गिन के मेरे को बता दे कितना नाम था। ठीक है, ड्रेडफुल जेल तन मैं वंश मित्तल रोहित सरकार असाद भट्टी कोंग साई भाई अद्यादि फॉर एवर एम टी फरहान अनोवर हुसैन प्रतीक पटेल बिस्वा राजन मैजिकल फुटबॉल जासिम भाई उज्मा हर्षवर्धन रवि शंकर नी क्लेशर, यार ये देसी एक्सी क्या है भाई ठीक है, केशव भाई गिरीश भाई अली रजा भाई अनुज चौधरी भाई हुसैन दिलार भाई मिशन भाई हसन भाई सम्यक विनीत भाई अभिषेक भाई अमित रिमाल किरण यादव अब्राहिम साहाल प्रीतम महबूल इस्लाम भाई साहब अंजल गामित, इतने सारे लोग तुम लोगों ने सही प्रिडिक्शन करें भाई इतना सारा सही प्रिडिक्शन। एनीवेज भाई मज़ा आया मेरे को गेम देख करके, ये एक रिव्यू नहीं था, मतलब मैं अपने दिल के ओपिनियन रख गया यार, आज बस मेरा मन क्या बैठ कर मैं बोला यार आज बात कर लिया जाए क्या हुआ गेम में। आई रियली लव दैट गेम, तो चेहरे से खुशी दिख रही होगी, द वे बार्सिलोना प्लेड आई वॉज रियली हैप्पी एंड थैंक्स टू रोनाल्ड कोमैन कि उसने ये सब चीज़ें कराई, बट एनीवेज आई स्टिल फाइंड कि रोनाल्ड कोमैन के सब्स्टिट्यूट्स आर्ट।